यदि आवर्त सारणी में हम इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान को देखने की कोशिश करें, यानी आवर्तिता को देखने की कोशिश करें, तो हम ये देखते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सामान्यतः बढ़ता जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चल रहे होते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, साथ ही नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। यानी नाभिकीय आवेश बढ़ने और परमाणु का आकार कम होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान है वो लगातार बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बढ़ता जाता है, इसलिए ऊर्जा का उत्सर्जन ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं कि लिथियम से फ्लोरीन तक सामान्यतः ये ट्रेंड बढ़ता जाता है। अब यदि हम ग्रुप की बात करें तो किसी ग्रुप में यानी समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार अपेक्षाकृत बढ़ता जाता है और परमाणु का आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण का मान कम हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी कम हो जाता है। हाँ, कभी कभी आपको कुछ अनियमितताएं भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि आवर्त की यदि हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो कि लिथियम के बाद जैसे ही हम बेरिलियम पर आते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जीरो हो जाती है, फिर बोरोन में बढ़ती है, कार्बन में और बढ़ती है और नाइट्रोजन पर फिर जीरो हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बेरिलियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है इसका, 1s2 2s2। तो ये जो 2s2 है यानी यहाँ पर जो s उपकोष है ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसलिए आप उसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो उसको अनस्टेबल कन्फिग्रेशन मिलेगा। तो ये ऑलरेडी चूंकि स्टेबल है, स्थाई विन्यास है, इसलिए यहाँ वो कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता लगभग जीरो होती है। ठीक यही नाइट्रोजन के केस में है। यहाँ आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p3 मिलेगा, यानी कि जो p ऑर्बिटल है वो कैसा होता है, हाफ फिल्ड। और हम जानते हैं कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी कैसा होता है, स्टेबल। अब यदि आप इसमें कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दोगे तो उसका कन्फिग्रेशन कैसा हो जाएगा, पार्शियली फिल्ड यानी कि अनस्टेबल। तो वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होती है, लगभग जीरो के बराबर। इसके बाद ही नियोन का केस देखते हैं, यानी अक्रिय गैसों के लिए क्या होता है। तो अक्रिय गैसों का तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यदि हम देखें तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 1s2 2s2 2p6 यानी कम्प्लीटली फिल्ड है, यानी स्टेबल कन्फिग्रेशन है। और आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देकर उसके कन्फिग्रेशन को अनस्टेबल बना देते हैं, इसलिए वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता। और जो नियोन का आप देखेंगे कि इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू लगभग कितनी आती है, जीरो आती है। तो हम देख सकते हैं कि जो शून्य समूह के तत्व यानी कि जो अक्रिय गैसों के तत्व हैं इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है क्योंकि इनके ऑर्बिटल पहले से ही भरे हुए हैं और स्टेबल कन्फिग्रेशन में है। साथ ही नाइट्रोजन का जो ग्रुप है उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन बंधुता भी लगभग बहुत कम, जीरो के आसपास होती है, क्योंकि इनके ऑर्बिटल जो है हाफ फिल्ड होते हैं, अर्धपूरित होते हैं, जिसके कारण वो स्थायी विन्यास बनाते हैं। ठीक इसी तरीके से बेरिलियम के ग्रुप में बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता भी लगभग कितनी होती है, शून्य होती है, क्योंकि इनके बाह्यतम कक्ष में भी जो एस ऑर्बिटल है वो लगभग पहले से ही भरा हुआ है, पूर्ण है यानी स्थायी है, इसलिए वो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद नहीं करता। हाँ, यदि आप यहाँ देखें कि फ्लोरीन हेलोजन के ग्रुप में आप देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है, जबकि हम जानते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे चलने पर तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी कम होना चाहिए, क्लोरीन की कम होना चाहिए, फ्लोरीन की ज्यादा होना चाहिए, पर होता उल्टा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, क्लोरीन की ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि फ्लोरीन का जो परमाणु आकार है वो बहुत छोटा होता है और बहुत छोटा होने के कारण जब इलेक्ट्रॉन उस 2p उपकोष में प्रवेश करता है तो वहां
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच जो प्रतिकर्षण होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण वो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत प्रतिकर्षित इन्वायरमेंट देते हैं और उस पर नाभिक का आकर्षण लग ही नहीं पाता, बहुत विशेष आकर्षण बल का वो अनुभव नहीं करता। इसलिए फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान है वो क्लोरीन की अपेक्षा कम होता है। जैसे हमने देखा था आयनन ऊर्जा से आप किसी परमाणु और अणु के रासायनिक व्यवहार के बारे में बता सकते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन बंधुता के द्वारा भी आप बता सकते हैं कि उस तत्व का रासायनिक व्यवहार क्या होगा। जैसे हम उसकी क्रियाशीलता बता सकते हैं कि जिसका इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक है तो उसके इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, यानी वो अतिक्रियाशील होंगे, जैसे कि हमारे हेलोजन तत्व। ठीक उसी तरीके से हम उनके परमाणुओं के बीच की प्रकृति के बारे में भी बता सकते हैं।